सुंदरता से बढ़ना या उम्र से ज्यादा बड़ा नहीं दिखना एक ऐसी चीज है जो हम सभी संतुलित रखना चाहेंगे। उम्र के साथ त्वचा की इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है, जिससे त्वचा ढीली और पतली लगती है। हम सभी अपने चेहरे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स, एंटी एजिंग क्रीम्स और सीरम से पोषित करते हैं ताकि हम सूखेपन और झुर्रियों से बच सके। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चेहरा ही सिर्फ शरीर का एकमात्र हिस्सा नहीं है जो उम्र बढ़ने के लक्षण दिखाता है। जी हाँ, और भी है। इस वीडियो में हमने शरीर की सभी पार्ट्स की लिस्ट बनाई है जो आपके त्वचा की उम्र दिखाते हैं। आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं और बढ़ती उम्र की शुरुआती लक्षणों से कैसे बच सकते हैं। बढ़ती उम्र की प्रभावों को रोकने की ज्यादा जानकारी के लिए कमेंट्स में एज टाइप करें और हम आपके साथ हमारी एंटी एजिंग गाइड शेयर करेंगे। हाथ आपके शरीर का सबसे ज्यादा दिखने वाला हिस्सा है। हार्मोनल बदलाव और धूप की वजह से आपके शरीर की त्वचा ढीली और क्रेपी हो जाती है, इसलिए अपने हाथों को ना भूले सनस्क्रीन चेहरे और गर्दन पर लगाते वक्त। अपने हाथों को हर वक्त मॉइस्चराइज रखें अपनी पसंद के मॉइस्चराइजर या बॉडी ऑयल से। अगर आपको घरेलू नुस्खे पसंद है तो केले का पल्प, चावल का पेस्ट या गाजर का पेस्ट अपने हाथों पर लगाएं, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से भरपूर है जो त्वचा को सूरज से बचाता है। जैसे हम बढ़ते हैं हमारा सेल टर्नओवर रेट कम हो जाता है, जिससे हमारा रंग डल और बेजान दिखने लगता है। फ्रेकल्स, गहरे सनस्पॉट्स और पिगमेंटेशन समय से पहले मैच्योर दिखने का नतीजा है। अपने रंग को सुधारने और काले धब्बों को कम करने के लिए ब्राइटनिंग सीरम्स को जोड़ें अपने स्किन केयर रूटीन में। ग्लाइकोलिक एसिड से हफ्ते में एक बार अपने चेहरे को सौम्यता से एक्सफोलिएट करें। प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के अलावा अपने त्वचा की देखभाल के लिए अपने चेहरे को तकिए की तरफ करके ना सोए और डॉक्टर से कैल्शियम और विटामिन इनटेक बढ़ाने की सलाह लें। उम्र के साथ आंखों की पलकों की मसल्स खींचती है और कमजोर होती है, जिससे ये झुक जाती है। इस एरिया में फैट होने के वजह से आंखों के ऊपर अनचाहे पर्दे या आंखों के नीचे सूजन हो सकती है। आंखों की आसपास की त्वचा बाकी के चेहरे के त्वचा के मुकाबले पतली होती है। क्रोस फीट या छुरिया हंसने और स्क्विंटिंग का नतीजा है। धूप में निकलते वक्त सनग्लासेस पहने, ये स्क्विंटिंग को कम करेगी और अपनी आंखों को फर्म बनाए रखेगा। नमक, कॉफ़ी और अल्कोहल की मात्रा कम करें, क्योंकि यह पानी रोकते हैं जिससे शरीर में सूजन होती है। सनस्क्रीन, आई क्रीम या आई जेल पैचेस लगाएं आंखों को आराम देने के लिए। आपके घुटने और एल्बोज की त्वचा आमतौर पर ज़्यादा ढीली हो जाती है हाथों और पैरों के मुकाबले। पानी कम पीना, स्मोकिंग, तनाव और स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स की कमी इसके लिए जिम्मेदार है। सैलिसिलिक एसिड और यूरिया वाले प्रोडक्ट्स को घुटनों और एल्बोस पर इस्तेमाल करें अपने शरीर के इन हिस्सों को जवान बनाने के लिए। अपनी त्वचा को हर वक्त मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटेड रखें। टर्की नेक से घबराना स्वाभाविक है। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी गर्दन स्किन लैक्सिटी या वॉल्यूम कम होने की वजह से लूज हो जाए। इससे बचने का बेहतर उपाय ये होगा कि चेहरे पर लगाने वाले प्रोडक्ट्स गर्दन पर भी लगाएं। रेटिनॉल क्रीम्स और सीरम्स भी एक अच्छी चॉइस है त्वचा को फर्म और टाइट रखने के लिए। धूप में बाहर निकलते वक्त अपने गर्दन को स्कार्फ से ढके। कोलेजन और ओमेगा 3 और 6 से भरपूर आहार लें। हम सभी जानते हैं होठों के आसपास और फोरहेड पर फाइन लाइंस त्वचा में प्रीमैच्योर एजिंग दिखाती है। धूप से होने वाला नुकसान बेशक इसका कारण है, लेकिन लगातार फोरहेड और होठों को सिकोड़ना इन्हें बढ़ाता है। बहुत ज़रूरी है अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज रखना और एंटी एजिंग के लिए सही प्राकृतिक तत्व जैसे ग्रीन टी, बेरीज और नारियल तेल के मास्क इस्तेमाल करें। इसीलिए इन उपायों को फॉलो करें ताकि आपकी त्वचा की सुंदरता और सालों तक बनी रहे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ग्लैमरस।